हेलो दोस्तों स्टडी मीडियम चैनल में आपका स्वागत है आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया जो आपके एग्जाम में हंड्रेड परसेंट पूछे जाएंगे अगर आप प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए प्ले का लिंक पड़ा हुआ है और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन शोशन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है ऑप्शन है सेरिब्रम ऑप्शन बी सेरिबेलम ऑप्शन सी स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑप्शन डी मेडुला अवलांगटा तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मेडुला अवलांगटा ये श्वसन क्रिया को नियंत्रित करती है नेक्स्ट क्वेश्चन से वृद्धि हार्मोन श्राबित होते हैं ऑप्शन ए थायराइड से ऑप्शन बी जननांग से ऑप्शन सी एड्रिनल से एंड ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथी से ये सारे ग्रंथी है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथी से इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि ये सारे ग्रंथि को कंट्रोल करती है और हमारे शरीर को वृद्धि करने के लिए ये ग्रंथि सबसे ज़्यादा कारगर साबित होती है नेक्स्ट क्वेश्चन से रक्त में हारमोन्स किस तरह उपस्थित रहते हैं ऑप्शन है डिनर के रूप में ऑप्शन बी मोनोमर के रूप में ऑप्शन सी पॉलीमर के रूप में एंड ऑप्शन डी इनमें से सभी तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी मतलब रक्त में जो हार्मोन्स होते हैं वो डिनर के रूप में मोनोमर के रूप में और पॉलीमर तीनों के रूप में प्रजेंस होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से रुधिर में अधिकतर सी ओ टू ले जाई जाती है ऑप्शन ए कार्बनिक अम्ल के रूप में ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट के रूप में ऑप्शन सी कार्बोनेट आयन के रूप में एंड ऑप्शन डी बाई कार्बोनेट्स आयन के रूप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बाई कार्बोनेट्स आयन के रूप में नेक्स्ट क्वेश्चन से रुधिर स्कंदन मतलब ब्लड क्लोटिंग के लिए आवश्यक होते हैं ऑप्शन ए है, सोडियम ऑप्शन बी पोटेशियम ऑप्शन सी कैल्शियम एंड ऑप्शन डी क्लोरीन। तो जो रक्त का थक्का बनता है उसके लिए कौन सा धातु आवश्यक होता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कैल्शियम कैल्शियम के द्वारा ही रक्त का क्लोटिंग बनता है और इसका आयंस अगर पूछा जाए तो कैल्शियम डबल प्लस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन से शरीर की सबसे शक्तिशाली पेशी कौन सी है सबसे मजबूत और शक्तिशाली ऑप्शन ए भुजा की पेशी ऑप्शन बी जांग की पेशी ऑप्शन सी जबड़े की पेशी एंड ऑप्शन डी हृदय की पेशी तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जबड़े की पेशी जबड़े की पेशी सबसे मजबूत और शक्तिशाली होती है और हृदय की पेशी सबसे कमजोर और सबसे कम शक्तिशाली होती है नेक्स्ट क्वेश्चन से बाह्य कान का कठोर और लचीला भाग बना होता है ऑप्शन ए कंडारा ऑप्शन बी अस्थि ऑप्शन सी उपास्ति एंड ऑप्शन डी स्नायु तो कान का जो कठोर और लचीला भाग होता है ये बना होता है ऑप्शन सी उपास्ति से ओके नेक्स्ट क्वेश्चन से किसी व्यक्ति में रक्त रुकता नहीं है तो इसका कारण निम्न में से किस एक में दोष होता है वो दोष कौन सा है तो ऑप्शन है ऑप्शन ए आर ऑप्शन बी रुधिर प्लाज्मा ऑप्शन सी थ्रोम्बोसाइट एंड ऑप्शन डी लसिका कोशिका तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोसाइट की गड़बड़ी से ही रक्त का थक्का बनने में प्रॉब्लम होती है और शरीर में रक्त थक्का न बने इसके लिए एक नेचुरल एंजाइम्स पाया जाता जिसको है जिसको हैपारिन कहते हैं वो शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने देता है नेक्स्ट क्वेश्चन से रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड ऑप्शन बी सोडियम ऑक्जिलेट ऑप्शन सी पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑप्शन डी थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सोडियम ऑक्जिलेट देखिए रुधिर में एंटी स्कंदन मतलब रुधिर को थक्का बनने से रोकना सोडियम ऑक्जिलेट के द्वारा होता है ये कृत्रिम रूप से प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में रुधिर का थक्का जो नहीं बनता है वो हैपारिन की वजह से होता है और हैपारिन क्या है ये एक एंजाइम्स है ठीक है और ये एंजाइम्स कहाँ से श्रावित होता है यकृत से होता है नेक्स्ट क्वेश्चन से शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक कौन सा है ऑप्शन ए संयोजी उत्तक ऑप्शन बी उपकला उत्तक ऑप्शन सी पेशी उत्तक एंड ऑप्शन डी तंत्रिका उत्तक तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए संयोजी उत्तक शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला उत्तक संयोजी उत्तक होता है रक्त यह भी संयोजी उत्तक का ही एग्जाम्पल है ओके तो आपको पता ही हमारे शरीर में रक्त कितना प्रतिशत पाया जाता है तो वो सब संयोजी उत्तक के अंतर्गत आता है नेक्स्ट क्वेश्चन से ट्रिपेनोसोमियसिस की वाहक कड़ी है ऑप्शन लाउज ऑप्शन बी सैंड मक्खी ऑप्शन सी सीसी मक्खी एंड ऑप्शन डी फायरफ्लाई तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सीसी मक्खी सीसी मक्खी ट्रिपेनोसोमियसिस रोग का वहन करती है नेक्स्ट क्वेश्चन से कालाजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है ऑप्शन ए जी ऑप्शन बी ट्रिपेनोसोमा ऑप्शन सी मोनोसिस्टस एंड ऑप्शन डी लिश्मानिया तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लिश्मानिया इसका सही स्पेलिंग इस टाइप से होगा ठीक है ये कालाजर का वाहक कड़ी होता है और यह एक प्रोटोजोआ है नेक्स्ट क्वेश्चन से मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है ऑप्शन ए यकृत कोशिकाओं पर ऑप्शन बी श्वेत रुधिर कोशिकाओं पर ऑप्शन सी मांसपेशियों की कोशिकाओं पर एंड ऑप्शन डी तंत्रिका कोशिकाओं पर तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यकृत कोशिकाओं पर प्लाज्मोडियम होता है वो यकृत की कोशिकाओं पर अटैक करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाहक तथा रोग का जोड़ा सही है मतलब वो कौन सा रोग है और उसको फैलाने वाला वाहक जिसका जोड़ा सही दिया गया है ऑप्शन में ऑप्शन ए क्यूलेक्स का होगा फाइलेरियासिस मतलब क्यूलेक्स हो गया आपका वाहक और फाइलेरियासिस हो गया आपका रोग ऑप्शन बी मक्खी का होगा पीत ज्वर ऑप्शन सी फ्लाई का होगा प्लेग एंड ऑप्शन डी पैरामसियम का होगा अमीवाइसिस इनमें से कौन सा जोड़ा सही है तो इसका आंसर रहा ऑप्शन ए क्यूलेक्स का फाइलेरियासिस और बाकी ये तीनों गलत हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन से इनमें से कौन सा जंतु शोषण तो करता है परंतु शोषण अंग नहीं होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो शोषण कर सकता है लेकिन उसका शोषण अंग नहीं है ऑप्शन ए कॉकरोच ऑप्शन बी मेढक का टेडपोल लार्वा ऑप्शन सी केंचुआ एंड ऑप्शन डी हाइड्रा मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि मेढक का टेडपोल लार्वा ऑप्शन में क्यों आया डायरेक्ट मेढक भी ता सकता था तो होता ये कि मेढक जो है वो शोषण कहीं और से लेता है और मेढक का जो टेडपोल लार्वा होता है उसका शोषण कहीं और होता है जो टेडपोल लार्वा होता है मतलब मेढक का अंडा होता है उसमें तो जब मेढक अंडे में होता है तो वो शोषण कहीं और से लेता है और जब वो विकसित मेढक बन जाता है तो उसका शोषण कुछ और होता है इसलिए ये दोनों अलग अलग चीज़ें तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन सी केंचुआ केंचुआ में शोषण तो होता है लेकिन शोषण आंगी नहीं होता है मतलब ये शोषण कहाँ से करता है तो ये शोषण करता है अपने त्वचा तो से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन से किसी पिंड का बेग समरूप कहा जाता है जब ऑप्शन ए बेग का सिर्फ मान नियत रहता हो ऑप्शन बी बेग का सिर्फ दिशा नियत रहता हो ऑप्शन सी बेग का मान और दिशा दोनों नियत रहता हो एंड ऑप्शन डी बेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील रहता हो तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बैग का मान और दिशा दोनों नियत रहता हो तभी बैग समरूप कहे जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से एस एच एम से गुजरने वाली कन के लिए बैग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाए तो वक्र क्या होगा तो एस एच एम क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन और इसमें एक ग्राफ बनता है इस टाइप का इस ग्राफ का जो आपका लाइनिंग होता है ये सीधा होगा कि ये गोल होगा कि ये पार होगा मतलब किस टाइप का होगा ये पूछा गया ऑप्शन ए एक दीर्घ वृत्त ऑप्शन बी एक सीधी रेखा ऑप्शन सी एक पर बलय एंड ऑप्शन डी एक वृत्त तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एक दीर्घ वृत्त के रूप में होगा नेक्स्ट क्वेश्चन से स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं ऑप्शन ए विभव बल ऑप्शन बी गुरुत्व बल ऑप्शन सी स्प्रिंग बल एंड ऑप्शन डी प्रत्यानन बल तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी प्रत्यानन बल सपोज ये एक स्प्रिंग है तो आप इसमें फोर्स लगा के इसको इतना बड़ा कर दिए ठीक है ये एफ फोर्स से तो ये स्प्रिंग है वापस अपनी स्थिति में आएगी वो माइनस एफ फोर्स से ठीक है जितना फोर्स लगाए उतना ही फोर्स है वो वापस आएगी लेकिन वो माइनस के साइन में रहेगा तो जो ये स्प्रिंग है वो वापस अपनी स्थिति में आ जाएगी तो ये जो माइनस एफ फोर्स है ना यही प्रत्याननन बोल है नेक्स्ट क्वेश्चन से यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का एक तिहाई कर दिया जाए तो कण की गति ऊर्जा क्या होगी ऑप्शन ए नौ गुनी होगी ऑप्शन बी एक बाय नौ गुनी होगी ऑप्शन सी तीन गुनी होगी एंड ऑप्शन डी एक बाय तीन गुनी होगी तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एक बाय नौ गुनी होगी कैसे होगी देखिए बैग बराबर एक बटा तीन बोला गया बैग को एक बटा तीन मैंने कर दिया एक तिहाई है ना तो जो गतिज ऊर्जा होता है वो होता है हाफ एम भी स्क्वायर तो मतलब भी स्क्वायर होता है तो अगर आप इस भी को स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा एक बटा नौ ठीक है तो वही आंसर है आपका एक बटा नौ गुनी हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन से बैंटेरीमीटर से क्या नापा जाता है ऑप्शन है द्रव्यों की चाल ऑप्शन बी द्रब्बों का प्रभाव ऑप्शन सी द्रव्यों का तापमान एंड ऑप्शन डी द्रब्यों का तोरण तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी द्रव्यों का प्रभाव द्रव का जो प्रभाव उसको वेंटेरीमीटर से मापा जाता है तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए क्योंकि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा इस चैनल में सबसे आप पहले आपको बता दिया जाएगा और अगर आप प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए आपको प्ले का लिंक मिल जाएगा वहाँ से सारे पार्ट आप देख लीजिए आपका कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ये मेरा गारंटी है और इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स होगा सबसे पहले आपको इस चैनल में मिलेगा और आज के लिए इतना ही चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय